दोस्तों, मेंटिस दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है। ये कीड़ा अपने शिकार को जिंदा खाने की हिम्मत रखता है। अगर बात करें इसके सामने वाले पैरों की, तो इसमें कांटेदार स्पाइक्स लगे होते हैं जो शिकार को पकड़कर रखने में मदद करते हैं। कई बार ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने आसपास के जगहों के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका सिर एक ट्रायंगल शेप जैसा होता है और इसकी छाती भी काफ़ी लंबी होती है और इसकी गर्दन तो और भी कमाल की होती है, क्योंकि ये अपना सिर 180 डिग्री के एंगल में कहीं भी घुमा सकता है। साथ ही इसकी आंखें भी काफ़ी कमाल की होती है, जिसके कारण कोई भी शिकार इसकी नज़रों से नहीं बच पाता। आपको बता दूं कि इस दुनिया में इनकी लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों से घंटों का हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मिलन के दौरान नर को मादा से जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि नर मौका देखकर मादा से मिलन करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद मिलन के दौरान ही मादा अचानक नर पर हमला कर उसके सिर को खाना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद बिना सिर के नर के शरीर पर जान बाकी होती है और वो बिना सिर के ही मादा से मिलन की प्रक्रिया जारी रखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये नज़ारा सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। और जैसे ही नर अपना सारा स्पर्म मादा के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, उसके तुरंत बाद ही नर का खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों, मेंटिस से जुड़ी इस जानकारी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है और इस दौरान ये अपने अंडों के लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज करती है। तो जैसे इसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, शायद ही आपने इससे पहले मेंटिस को अंडे देते हुए देखा होगा, क्यों है ना? अगर बात करें इसके अंडों की, तो ये एक बार में 100 से 400 अंडे दे देते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब मादा अंडे दे रही होती है, तो ये अंडों के साथ एक सफ़ेद झाग जैसी चीज़ भी छोड़ती है, जो कि सूखने के बाद एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो जैसे ये सारे अंडे दे देती है, उसके बाद मादा इन अंडों को उसी हाल पर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद इन अंडों पर लगा झाग सूखने लगता है और पूरी तरह से सूखने के बाद यह एक ठोस कवच में बदल जाता है। तो जैसे ही ये अंडे 5 से 6 हफ्तों के हो जाते हैं, उसके बाद इनसे बच्चे निकलने शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन बच्चों को निम्फ कहा जाता है। ये निम्फ शुरुआती दिनों में पीले रंग के होते हैं
और समय के साथ ये अपने प्रजाति के हिसाब से अपने वास्तविक रंग में बदल जाते हैं। तो जैसे ही ये अपने अंडों से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये छोटे मोटे कीड़ों को खाना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे ये बड़े कीड़ों का शिकार करना शुरू करते हैं। और इस तरह ये 4 से 5 महीनों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जहां इनका आकार 5 से 6 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। जिसके बाद ये बड़े से बड़े शिकारी को मार गिराने में माहिर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ये वयस्क हो जाते हैं, उसके 3 से 4 हफ्तों बाद ये फिर से मिलन कर अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 10 से 12 महीनों का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।